के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे और अध्यक्ष के तौर पर सीमा बाली जी को 7 फरवरी 2023 सलूट तिरंगा संगठन के 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई सारे गण्यमान्य लोग आज हिमाचल भवन दिल्ली में उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने कई सारे एजेंडा के ऊपर विचार विमर्श किया है और पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय टीम में कुछ परिवर्तन किया गया था और आज हम लोगों ने ये तिथि तय किया था कि राष्ट्रीय कार्य समिति जो 3 प्रदेश की दिल्ली में होगी उसमें देश के प्रभारियों का घोषणा करना है। आप सभी को पता है कि हम 26 राज्यों में कार्यरत हैं संगठन और देश के अलावा विदेश में 10 कंट्री में हैं और अभी हम लोग 10 और देशों में वहाँ के अध्यक्ष जो NRIs हैं जो सलूट तिरंगा में ज्वाइन हो रहे हैं उनके भी नामों का जल्द घोषणा होना है। तो आज जो हम लोग प्रभारियों का घोषणा कर रहे हैं, हमने संगठन महामंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल साहब और राष्ट्रीय महामंत्री जो कार्य देख रहे हैं श्री गिरीश पाठक जी और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री सभी से विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रभारियों का नाम इस प्रकार होगा। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को देखेंगे श्री संजय सराफ साहब, संजय सराफ साहब देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जबकि पंजाब और हरियाणा का जो प्रभारी होंगे वो होंगे श्री मनोज त्यागी जी, श्री मनोज त्यागी जी पंजाब और हरियाणा देखेंगे। मध्य प्रदेश देखेंगे राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह दरबार साहब। राजस्थान देखेंगे राष्ट्रीय महामंत्री श्री गिरीश कुमार पाठक जी। छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी यशवंत सिंह दरबार जी के पास ही होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी गिरीश कुमार पाठक जी पहले भी थे और अभी निरंतर उन्हीं के पास रहेगा। उत्तराखंड का जो केयर होगा प्रभारी के तौर पे, संगठन महामंत्री राष्ट्रीय हैं लेकिन ये श्री सच्चिदानंद पोखरियाल साहब के केयर में चलेगा, जबकि दिल्ली की जिम्मेवारी नेशनल प्रेसिडेंट खुद अपने केयर में रखेंगे दिल्ली। हिमाचल प्रदेश अरुण जोशी, झारखंड रमेश पांडे, बिहार राजीव झा राजू, गुजरात संपत सरस्वत, महाराष्ट्र राजेश राय जी एवं आदर्श श्रीवास्तव जी देखेंगे, महाराष्ट्र दोनों मिलके देखेंगे। बंगाल देखेंगे सुबीर नाग जी, जबकि उड़ीसा देखेंगे सुरेश शर्मा जी एवं प्रमोद मिश्रा जी, आसाम देखेंगे श्री प्रमोद मिश्रा जी, मेघालय और त्रिपुरा रिया दास ये गुवाहाटी में रहती हैं। तेलंगाना देखेंगे आदर्श श्रीवास्तव जी, आदर्श जी ही पहले देख रहे हैं। कर्नाटक देखेंगे अंकित सेठ जी, जबकि केरल और तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन किया गया, श्री जय कुमार नायर जी के नेतृत्व में वहाँ का दोनों स्टेट में ये प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएंगे और बदली भी करेंगे और ये जय कुमार नायर जी के पास होगा, क्योंकि ये भी साउथ से केरल से आते हैं तो थोड़ा सुविधा होगा। गोवा देखेंगे अंकित सेठ जी, जबकि दमन उत्तम भाई पटेल जी देखेंगे। वैसे उत्तम भाई पटेल जी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा इस बार अलग तरीके से किया क्योंकि दमन जो है गुजरात के साथ में है। नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ स्टेट प्रमोद मिश्रा जी और अनूप सिन्हा जी देखेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के और अरुणाचल हो गए या नागालैंड हो गया या मणिपुर हो गया, तो इन सभी का प्रमोद मिश्रा जी और अनूप सिन्हा जी देखेंगे। कुछ प्रकोष्ठ स्वतंत्र रूप से ठीक कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रभारी नहीं बनाया हूँ, लेकिन कुछ प्रकोष्ठ जो है उसके प्रभारी इस प्रकार होंगे। यूथ देखेंगे श्री प्रदीप पांडे जी, जो प्रदीप पांडे जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं,
तो प्रदीप पांडे जी को यूथ का अध्यक्ष हैं, कुमार सौरभ जी आज बिहार में हैं इसलिए आज नहीं आ पाए हैं, तो प्रदीप पांडे जी को उनके कोऑर्डिनेट करके यूथ का काम देखना है राष्ट्रीय स्तर पर। जबकि महिला की देखेंगे श्रीमती संयुक्ता प्रसाद जी, महिला का प्रभारी अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और तीनों महामंत्री अमृता जी और साधना जी गीता जी हैं, अध्यक्ष चित्रा दलाल जी हैं, उनका प्रभार जो है वो संयुक्ता प्रसाद जी पे। किसान का देखेंगे श्री शीशराम रवि जी जो एमपी हैं, सांसद हैं, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ सुरेंद्र कमांडो जी एमएलए दिल्ली कैंट वो उनके सहयोगी होंगे। व्यापार प्रकोष्ठ देखेंगे प्रेम कुमार सिंह जी और मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, मनीष शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं लेकिन अब व्यापार प्रकोष्ठ का पूरा प्रभार आपके पास होगा, उसमें आप व्यापारियों को जोड़ेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संयोजक पायल जी हैं तो उनका प्रभारी होंगे श्रीमती रंजना झा जी, रंजना झा जी हमारी प्रवक्ता हैं और बेटी बचाओ का राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखना है। तो ये जो बदलाव है इसको आज के ही डेट से इफेक्टिव किया जा रहा है, 7/2/2023 से लेके 31/3/2024 तक ये प्रभारी बने रहेंगे, तत्काल प्रभाव से जारी है और काम अच्छे होने पे उनको फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर 31/3/2024 के बाद भी प्रभारियों का लिस्ट में थोड़ा फेरबदल संभावना है। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारे गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए, हम लोगों ने कई सारे एजेंडा के ऊपर बातचीत किया है और सल्यूट तिरंगा को देश में एक एक व्यक्ति तक, चूँकि तिरंगा सभी का है, ये किसी जाति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, तिरंगा हर एक व्यक्ति का है, इसलिए हम लोगों ने तिरंगा को घर घर तक पहुंचाने का, जैसे अभी हर घर तिरंगा देखे तो हम लोगों का नारा है हर हाथ तिरंगा।